हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेके आई हूँ एल्विश के बहुत ही मजेदार से इंस्टाग्राम एडिट्स। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ थोड़ी अलग चीज हो गई। आज हम गए एक अच्छी मार्केट में, गए किसमें? गए चप्पल में और लोअर में। तो उसमें भाई को जज करने वाला थोड़ी यार। नहीं, मतलब चप्पल और लोअर भाई नॉर्मल है यार। कहीं नू थोड़ी दिख रहा है, मॉल में जाओगे तो ये बढ़िया कपड़े पहन के जाना या फिर कुछ भी करके जाना, हम ना पहन रहे, हम तो ऐसी डोले हैं। एल्विश ने तो बिग बॉस में भी वही अपना ट्रेंड सेट करा, चप्पल लोअर का। मनीषा रानी के फॉलोअर कितने भाई? मेरे को क्या करने का? रिएक्शन देख रहा है अभिष का। फनी मोमेंट अभी तक बिहाइंड द सीन्स प्रैक्टिस मैचेस में जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? फनी तो नहीं, अभी लखनऊ से हमारा मैच हुआ था, ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने कहा चलो 1,00,000 रुपए की शर्त लगाते हैं, 1,00,000 रुपए हम जीत गए। अपन तो हारने वाले थे ना, आराम से चलेंगे। ऐसे तो जीते हैं कब तक? मैंने तुम्हारे लिए इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हारा एक ग्रीन वाला पल्लू अच्छा। मुझे मालूम था आपको पसंद आएगा, मैंने अंगूठी भी पहनी है, आपका ग्रीन कलर है। मैं तुम्हारी भाभी के लिए लूंगा। मेरा कोई तो नाम ना, मेरे को देखने का कैसा फील होता है? देखो करा दे फील, एल्विश इसको फील करा दे बाद में। तो दिखाना होता है, मेरी वैनिटी में आना तुम। मुझे बेचो कोई एल्विश की वैनिटी में। वो सब वो वाला वो नहीं होता है लाइंस, टाइम सबका आता है, हमारा दौर आएगा, वो एल्विश पे अच्छे से सूट होता है। भाई साहब आपके घर में अगर कोई ट्रॉफी हो तो बचा के रखिएगा, क्योंकि एल्विश आएगा तो वो ट्रॉफी भी जीत जाएगा। ये ट्रॉफी भी तुम्हारे नाम, विजन 11 ईशियल की ट्रॉफी। I'll let you join the team. अपनी ट्रॉफियां छुपा के रखो भाई। ये तो बायोलॉजी Which is the largest bone in the body? Thigh bone. It's the right answer. Femur bone. 30, 20, 10, 0. But he just missed it by a second. The history. Who was the first president of India? Rajendra Prasad. 40. Dr. Rajendra Prasad. 40, 20, 10, 0. Geography. Last one. What is the capital of Mizoram? Aizawl. Right, 50, 20, 10, 0. Wow, can we have a round of applause? Last के जो, wow. Cheers, guys. इस पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी। Education is important मत लिख देना, ठीक है? मैं मारूंगा हमारे अलग से। और ऐसे कोई दिन थे ना जो मजा आ जाए तो वो एल्विश बिग बॉस में थे, जब वो दिन थे। एल्विश यादव की ये आवाज है, मैं लिटरली बताऊं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। एल्विश ऐसा रैप करते हैं? ऐसा मतलब ये एल्विश गा रहे हैं? मैंने तो इनकी आवाज ऐसे नहीं सुनी है, लेकिन भाई सुनने में तो मस्तर लग रही है। एंड ही इज ऑन पॉइंट, मतलब चटनी भी इतनी तीखी नहीं जितनी यहाँ लोगों की जुबान है। मजे ले रहा है तू? मजे आज से डिसअपॉइंटेड हूँ मैं तेरे से। तू यहाँ आया और तूने कंपनी क्या चूज करी? यार सब कंपनी तो है यार, सब दोस्त है भाई। हो गया बाय। मेरे को पर्सनली सूट अच्छे लगते हैं तो भाई स्टार्ट हो चुका ये आई है पहली कंटेस्टेंट, अच्छी है भाई ये भी। Thank you.
मैं इनके बारे में एक बात बोलना चाहूंगी, अभी ये बिग बॉस में आए हैं ना, तो ये सूट वगैरह पहन रही है तो इनको फेक बोला जा रहा है, बिकॉज आजकल ऐसा काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लड़कियां सूट सलवार पहनती है, अच्छी लग रही होती है, थोड़ा बोली बनने का ट्राई वगैरह कर रही होती है, तो अच्छी बात है ना, ऐसे थोड़ी ट्राई करिए नंगे वगैरह कपड़े पहने, तो फिर इसमें फेक बनना क्यों, मुझे तो सही लग रहा था उसने जो भी पहना था। मजाक कर रहा हूँ यार, करंट का वो उठा लिया हुआ इनने। चल इनका एक क्लिप दिखा देता हूँ जो मैंने इससे पहले रिकॉर्ड करी, तुम छोड़ देती ना अगर नुकसान हो जाता तो। हाँ छोड़ मम्मी मेंटल हो गई थी, कहीं आगरा ले चल आगरा। मैं कह रही मेरा दूसरा ग्रुप ने कहा तू तो बोल मत, तुम तो लिया भी ना एक रुपया भी, तू तो हंस ले पहले फिर बोलियो। चूकी कह रही कि वो उसने बोला था जिस समय खैरी हेल्प ग्रुप में पैसा कौन लगाया, सुन मैं कह रही मेरे को तू हंस ले पहले, देख देख छोड़ तू कह रही तू क्या बोल रही तो मैं तो चिंदी हुई हूँ मुझे क्यों नहीं आ रही है, मुझे भी हंसा जोक सुना है तुमने कोई, पानी पकड़ा पानी पकड़ा पीछा जा पानी पकड़ियो यार फिर यार ऐसा तो कुछ जोक नहीं मारा मैंने अच्छा मेरे वाले इनसे तो एक रुपया भी ना मांगा मैंने, जब ये हाल है उदास तो लग रहा था। मैं पता क्या करी तेरे कौन से लगा दिए जीजी हमने मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही है यहाँ पे, मुझे बता देना मैं इस ब्लॉग पे रिएक्शन कर दूंगी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आंटी अगर इतना हंस रही है किसी ब्लॉग में तो बता देना मैं किस ब्लॉग का ये सीन है, पता है मैं और मेरी बहन जब मिलते हैं ना ऐसे ही हंसती, मेरी हंसी बिल्कुल नहीं बंद होती, इतनी हंसती हूँ ना मैं ऐसे बिल्कुल मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो इसी वजह से बिकॉज उन्होंने मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए थे, बिकॉज वो जैसे पाव छू रहे थे ना सभी पेरेंट्स के, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके और नितिन ये जा रहा है मेरे भाई एल्विस की टीम में भाई। वाइल्ड कार्ड आए हैं एल्विश के पेजे है, देखना पड़ेगा क्या थी वो बात, देख लिया आए कैसी कर रहे हैं, अरे इसका लग गई भाई लग गई भाई प्लीज रुक जाओ रुक जाओ लग गई क्या उसको रेडी है, कोई बात नहीं बात नहीं लग जाती है लग जाती है, जो भी कहो पूरी बसर निकाल रही है ये बिहेवियर बहुत रॉन्ग है सोभिता का। अच्छा कहाँ जा रहा है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ लो भाई भाई नंगे लड़के वैसे कभी चिपकाए नहीं मैं भाई तुम जब इधर आते हो तो ऐसे ही लगता है जैसे तुम स्मूच ऊच मार दोगे तो आई होप आपको ये एडिट्स जो है अच्छे लगे हो, लगे तो प्लीज बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे चाहते हो वो भी बता देना, बाकी एल्विश पे ब्लॉग्स पे तो कंटिन्यू रहेगा ही। एक और बात मैं पूछना चाह रही थी है ना, रोडीज के एपिसोड्स पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते है ना, अगर सॉरी ये क्यों बांध के रखा मैंने अभी तक, अगर कर सकते थे ना तो मैं जरूर करती थी बिकॉज एल्विश आ रहे हैं ना उसमें, तो एनीवेज गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।